नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट यानी व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और ठाणे में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको निराशा यानी डिप्रेशन की क्या क्या लक्षण है और वो कैसे पहचानेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। मनुष्य के जीवन में अगर उसके मन के विरुद्ध कुछ हुआ, कुछ अघटित घटना घटी या फिर उसे तकलीफ देने वाली घटना घटी तो स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसके जीवन में निराशा आना शुरू हो जाता है। आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्ट्रेस ये मनुष्य के जीवन का घटक बन चुका है और उसकी वजह से डिप्रेशन का जाल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम वक्त पर इस डिप्रेशन के लक्षण को पहचानेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जल्दी से कंट्रोल में आने की संभावना बढ़ जाती है। मुख्यतः दो डिप्रेशन के लक्षण हमें दिखते हैं, एक यानी उदासीनता यानी सैडनेस, उदास लगना। दिन भर अगर हम पेशेंट को पूछे कि आपको कैसा लगता है तो वो हमें बताते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, उदास लगता है, निराशा लगती है। दूसरा यानी किसी चीज में इंटरेस्ट न आना या फिर जो चीजें हम पहले कर रहे थे जिसमें हमें आनंद या प्लेजर या इंटरेस्ट था, अब वो चीजें करने का मन नहीं करता। अगर एक आधी व्यक्ति को कुकिंग अच्छा लगता है या फिर ट्रेकिंग अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, वही इंसान अभी बोलेगा कि मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता, मुझे मन ही नहीं लगता। उसके साथ नींद कम हो जाना, देर से नींद लगना या नींद जल्दी खुलना या सुबह उठने की इच्छा न होना, ऐसा लगना कि ये सूरज क्यों उगा है। लेकिन इसके ही उल्टा कुछ लोगों में ज्यादा नींद आती है, नींद बढ़ जाती है। उसके साथ भूख न लगना, खाने की इच्छा न होना, उसकी वजह से वजन कम होता है। लेकिन कुछ लोगों में उसके ही उलट ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है या फिर जो चीजें अच्छी लगती है वो ज्यादा खाने की इच्छा होती है। कुछ लोगों में स्लोनेस बढ़ जाता है, चंडपना कम हो जाता है, जिसको हम लेजीनेस भी बोलते हैं, आलसीपन बढ़ जाता है। उसके ही उल्टा कुछ लोगों में रेस्टलेसनेस यानी चंचलता बढ़ जाती है। अगर हमें ज्यादा नींद आती है या फिर ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा चंचलता है, तो उसे हम अटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इसके साथ चिड़चिड़ापन बढ़ना, मूड कंटिन्यूस चेंज होना, ये भी कुछ लक्षण है। अगर तीव्रता बढ़ जाती है तो कुछ लोगों में अपराधी भावना आना यानी गिल्ट फीलिंग, मैंने कुछ गलत किया है या मेरे से कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है जिससे मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। अगर छोटी सी भी कुछ गलती हो गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है या गुनाह हो गया है और फिर उस पे वो सोच विचार करने लगते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों में ऐसी भावना आती है कि मैं कुछ काम का नहीं रहा, अब मुझसे कुछ काम नहीं होगा, मैं कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता, जिसे हम होपलेसनेस कहते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं जिंदगी में कर सकूंगा, जिसे हम हेल्पलेसनेस कहते हैं, कोई मुझे मदद नहीं करेगा। तो तीव्रता के अनुसार ये डिप्रेशन दिखता है और हमें रोज अगर ऐसा कभी होता है कि हमें छोटी छोटी बातों पे टेंशन आता है और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती या सर दुखता है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही रहता है। अगर हमें लगातार ये दो हफ्ते या उससे ज्यादा लग रहा है और जिससे हमारे जीवन पे असर पड़ रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है,
तो जरूर इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए और इस पे हमने कुछ सोच विचार करके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9975726836। नमस्ते।